नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। महाराष्ट्र में इस बार कुल 3,239 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 150 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। महाराष्ट्र में इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवाले की महागठबंधन और कांग्रेस NCP के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान इन दलों ने एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूका। चुनाव प्रचार में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद सनी देओल जैसे कई दिग्गज नेता जुटे। भाजपा ने सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा उछाला, जिस पर सियासत गर्म रही। शिवसेना की ओर से पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने जोरदार प्रचार किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अकेले ही दम पर जनता से विपक्ष में बैठने के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की मांग की। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान ने मोर्चा संभाला था। कांग्रेस इस चुनाव प्रचार में आर्थिक मंदी को मुद्दा बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कॉर्पोरेट कर में कटौती के भारत के निर्णय का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह निवेश के अनुकूल है। हालांकि उसने यह भी कहा कि भारत को राजकोषीय स्थिति के समक्ष चुनौतियों का समाधान करना चाहिए ताकि इस मोर्चे पर दीर्घकालिक मजबूती बनी रहे। IMF के निदेशक एशिया एवं प्रशांत विभाग चांगयोंग री ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारा मानना है कि राजकोषीय मोर्चे पर भारत की राह तंग है, अतः उन्हें सतर्क से चलना चाहिए। हम कॉर्पोरेट कर में कटौती के उनके निर्णय का स्वागत करते हैं क्योंकि इसका निवेश पर सकारात्मक असर होगा। उन्होंने कहा कि पिछली 2 तिमाहियों की सुस्ती को देखते हुए इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान है, जो बढ़कर 2020 में 7% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति में किए गए उपाय और कॉर्पोरेट कर में कटौती से निवेश में सुधार का अनुमान है। भारत ने शांति अभियानों में योगदान कर रहे अपने और अन्य देशों के सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुगतान नहीं करने पर चिंता जताई है और कहा कि महासचिव ने बंद हो चुके शांति अभियानों के कोष का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया। संयुक्त राष्ट्र गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहा है और उसका घाटा पिछले 1 दशक में सबसे अधिक है। उसके पास इतनी नकदी भी नहीं है कि अगले महीने का वेतन दे सके। संगठन द्वारा वित्तीय संकट से निपटने के लिए कई आपातकालीन उपाय किए गए हैं। भारत उन 35 देशों में है जो इस विश्व संगठन के बजट का अपना पूरा हिस्सा समय पर देता है। भारत ने 31 जनवरी 2019 तक अपने नियमित बजट मूल्यांकन का 2.32 करोड़ अमेरिकी डॉलर दे दिया था। भारत समय पर भुगतान करता है, लेकिन अब उसने चिंता जताई है कि UN ने अभी तक उसे और शांति सैनिकों को भेजने वाले अन्य देशों, जिन्हें TCC कहते हैं, को शांति अभियानों के लिए भुगतान नहीं किया है। 6 बार की महिला विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरीकॉम ने कहा कि वह ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ट्रायल्स में निखत जरीन से भिड़ने से नहीं डरती, क्योंकि यह महज एक औपचारिकता भर होगी। जरीन ने चीन में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भारतीय टीम के चयन से पहले मैरीकॉम 51 किलोग्राम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला आयोजित करने की मांग की। भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI ने कहा था कि मैरीकॉम 51 किलोग्राम ने हाल में रूस में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वह 6 बार की विश्व चैंपियन को चुनने का इरादा रखता है। मैरीकॉम ने यहां एक सम्मान समारोह के दौरान कहा कि यह फैसला BFI द्वारा लिया जा चुका है। मैं नियम नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ प्रदर्शन कर सकती हूँ। वो जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूँगी। मैं उससे यानी जरीन से भिड़ने से नहीं डरती हूँ। मुझे ट्रायल से कोई परेशानी नहीं है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।